बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है, चारा लेने के लिए निकला हूँ अब्बा जी के साथ और इधर का माहौल बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। ये देखें, ये कपास के पौधे हैं, ये कपास लगी हुई है, ये खिला हुआ है, इसमें से ये निकलती है ऐसे। और ये टिंडा है खुश्क होने के बाद, ये देखें ये सारी फसल इसी की है। ये माल्टे के पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये माल्टा है जी, बहुत ही खूबसूरत। ये मुकम्मल आगे तक माल्टा है और आगे एक आम का पौधा लगा हुआ है। मैंने कंधे पे पट्टे उठाए हुए थे, एक बड़ी फुल बड़ी थी जो जिसको हम पंड भी कहते हैं, पट्टों की पंड। वो अचानक से इधर खाले पे मेरा पाँव स्लिप हुआ है जिसकी वजह से पाँव पे मोच आ चुकी है, चलना मुश्किल हो रहा है और कमर पे भी झटका लगा है। काफ़ी ख़तरनाक गिरा हूँ और वज़न भी काफ़ी था। बनना है जिसमें मैं पट्टे लेके जा रहा था, इस साइड पे लेके जा रहा था तो इधर पाँव स्लिप हुआ है और मैंने पट्टे इस तरफ गिरा दिए थे, लेकिन झटका फिर भी लगा और पाँव को भी काफ़ी मोच आई है। इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है, ये छोटा सा जो रास्ता होता है तो काफ़ी दूर तक लेके जाने थे, उधर तक लेके जाने थे मगर नहीं ले जा पाया। तो इस पाँव पे चोट लगी है, इधर से मोच आई है, चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और सुबह से हवा भी काफ़ी मज़े की चल रही है। ये मक्की के पौधे लगे हुए हैं जिस पे छल्ली लगती है और ज़्यादा इधर कपास ही लगी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। पट्टे हमारे ज़्यादा थे इसीलिए अब्बा जी रेडी लेने के लिए गेहूँ के रेडी पे आज पट्टे लेके जाने हैं, तो अभी तक आए नहीं है। रेडी आती है फिर उस पर पट्टे रखेंगे फिर लेके जाएंगे घर में, अभी इंतज़ार कर रहे हैं तो देखो कब तक रेडी आती है। ये हमारे पट्टे हैं, उधर से उठा के हमने इधर ला के रखे हैं, तो इधर ही रेडी आएगी अगर आ जाती है तो, फिर इधर से ही रख के ले जाएंगे हम। ये मैंने विंडो जीन लगा के गर्म पट्टी बांधी है, अभी कुछ बेहतर हुई है, अभी तो पहले काफ़ी दर्द हो रहा था। सुबह के नाश्ते में हमारी आज ये आलू फलियाँ बन रही हैं, क्यों बहुत ही शौक से खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये रात वाली कढ़ी है, साथ मैंने ये चावल बुलवाए हैं, ये कढ़ी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये हमारी डिवाइस ख़राब हो रही है नेट वाली, पता नहीं सुबह से बंद है, तो इस पे लगा के हमने लगाई हुई थी तो कॉल की है उसको जो नेट लगा के जाते हैं, वो कह रहा था 3 बजे आऊँगा, अभी 1 बजे है, अभी तक तो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह से नेट बंद है, पता नहीं ये जली है या ये जला है, वही आके देखेगा फिर पता चलेगा कौन सी चीज़ ख़राब है। तो नहीं तो अगर नहीं लगवानी पड़ी तो फिर नहीं लगवाएंगे। ये पाँव काफ़ी ख़राब, चलना मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या मसला बना है। सुबह तो कुछ चल लेता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, वज़न नहीं आ रहा है पाँव पे, दर्द काफ़ी होता है। मेरे पाँव पे वज़न बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जोहर के बाद काफ़ी दर्द था, तो अब्बा जी ने एक बाबा जी को बुलाया था जिसने इसकी मोच निकाल ली है, अब काफ़ी बेहतर है, वज़न भी आ रहा है। तो बाहर जाने की कुछ हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, अगर कहीं जा हुआ तो चलेंगे, क्यों अभी तो वो नेट वाले नहीं आए, 3 बजे का कहा था लेकिन अभी 5:30 हो चुके हैं, 5:30-6:30 का टाइम हो रहा है लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं, जो टाइम दिया था अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनका भी इंतज़ार हो रहा है।
क्यों नेट सुबह से ही बंद है, वो डिवाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी देर नेट वालों का इंतज़ार किया मगर नहीं आए हैं, तो फिर मैंने कॉल की तो पता चला कि वो सुबह ही आएंगे। तो फिर इस वजह से जब उनका पता चला है कि वो सुबह आएंगे तो मैं कुछ बाहर निकला हूँ। क्यों आदमी सुबह से जब घर में बैठा रहे तो बोर सा हो जाता है, सिर्फ सुबह एक बार चारा लेके आए हैं उसके बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। एक तो गर्मी ऐसी होती है, तो इस टाइम आगे कुछ मौसम भी अच्छा हो जाता है, ठंडी सी हवा चलने लग जाती है, तो इस वजह से बाहर आ जाते हैं। तो अगर तो कल फर्स्ट टाइम का टाइम दिया है नेट वालों ने, अगर तो कल नेट ठीक हुआ तो यही व्लॉग कल मैं सेंड कर दूंगा, वगरना परसों को तो हो ही जाएगा। क्यों ये नेट के सर पे है, नेट तकरीबन सुबह से ही बंद है। तो अब सुबह मैंने फ़र्स्ट टाइम का कहा उन्हें कि फ़र्स्ट टाइम अगर लग जाता है तो फिर मैं सुबह कर दूँगा अपलोड। तो मौसम कल की तरह फिर वैसा ही हो रहा है, बादल चढ़ रहे हैं। क्यों आसपास सब बारिशें हो रही हैं, इधर की भी बारिशें बताई हैं मगर हो नहीं पा रही हैं अभी तक। तो मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, कल काफ़ी अंधेरी आई थी मगर आज भी अंधेरी का मौसम भी है और बादल भी हैं। ये देखें ये सूरत हाल है मौसम की, ये अभी असर के बाद ही हुआ है, ऐसे पहले तो धूप थी अच्छी भली, काफ़ी धूप थी। ये देखें क्यों कल भी बहुत ज़बरदस्त आंधी आई है, तो आज भी वैसा ही माहौल वैसा ही मौसम हो रहा है। तू अंब तो चढ़ गया है, अंब तो चढ़ के की लभना तेनू। अभी लगा के फारग हुए हैं नेट को, काफ़ी सुबह से लगे हुए हैं, ये सुबह से आया हुआ आदमी, पहले एक बार आया है, पहले चेक करके गया, वो हमारी जो पहली डिवाइस थी वो जल चुकी थी, तो अब ये नई डिवाइस 3 बजे लेके आया और एक राउटर लेके आया, वो भी आप दोस्तों का भी दिखाते हैं क्या क्या सामान लगा है। तो तकरीबन अभी भी 2 घंटे हो गए ये काम करते को, 2 घंटे के बाद अभी गया है, अभी असर का टाइम है, नमाज़ पढ़नी मैंने। हमारा नेट इधर लगा हुआ था, पहले डिवाइस इधर लगी हुई थी लेकिन अब ज़्यादा ऊंची जाना पड़ा है हमें, वो लगी हुई है नई डिवाइस थी, तो सारा खर्चा दोबारा नए सिरे से हुआ है। और ये सारा इधर कनेक्शन किए हैं और ये नया राउटर लगाया वाईफाई के लिए, क्योंकि वो वाईफाई चीज़ नहीं थी उसमें, उसमें वाईफाई सिस्टम नहीं था उस अडाप्टर में, तो ये अलग से लगाना पड़ा है। तो माशाल्लाह अब स्पीड बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पहले तो कुछ कम थी, अब ये नया राउटर लगा है और नई जगह पे कनेक्ट किया है, तो बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा भी आ रहा है चलाने में, स्पीड बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बस अभी नमाज़ पढ़ लें फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर का माहौल भी देखते हैं, बाहर भी चलते हैं, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है।
ये हमारे उस दिन के जो बीज गिराया था फसल में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकला इस बार। ये देखें, अंदर तो मैं नहीं जा रहा, ये किनारे से ही दिखा रहा हूँ। ये देखें, काफ़ी बेहतर निकला। ये हमारे ज़मीन है पठों वाली, और इस साइड पे ये कि साथ वाली ज़मीन में धान की पनीरी लगाई हुई है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे घास लगा होता है बैठने के लिए, वो माहौल हो रहा है इधर का। दिशा ने कितने के दिन लगे गए इन पटन दे के कि 20 दिन इन्होंने इतनी लानी होनी है इस जगह पे। हम इधर ट्यूबवेल पे बैठे हैं, ट्यूबवेल तो बंद है, तो हवा मज़े की चल रही है, तो एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा, क्यों घर में बैठ के गर्मी में बहुत अजीब सा हो जाता है, तो इस वजह से अब कुछ सुकून हो रहा है। तो कुछ टाइम बैठेंगे तो फिर घर चलेंगे हम। सूरज ग़ुरूब हो रहा है अभी, 20 मिनट पड़े हैं अजान को, मगरिब की। और माहौल, ये बादल तो रात के ही ऐसे हैं, रात भी बहुत ज़्यादा आते जाते रहे हैं, और दिन में भी ऐसे था। मौसम ऐसा ही है, हवा चल रही है हल्की हल्की सी, ठंडी सी, तो बारिश नहीं हो रही है। बारिश बारिश सिर्फ एक बार ही हुई है, वो जुमे वाले दिन, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। बस मौसम ऐसे हो जाता है, कभी अंधेरी आ जाती है, कभी ये बादल हैं। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो घर वापस जा रहे हैं, क्यों भूख भी लगी हुई है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। सुबह से ही नाश्ता किया हुआ है, क्यों सुबह नाश्ता करने के लिए बैठा था तो ये नेट वाला आ गया, तो अच्छे तरीके से नाश्ता नहीं कर पाया, तो इस वजह से अब फिर वही शिद्दत सी महसूस हो रही है भूख की। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या बना है, अभी तो ये भी नहीं पता है बना क्या है। अभी सुबह तो पेठा बना हुआ था बहुत ही मज़े का, और हरी मिर्च को तलाई किया हुआ था नमक डाल के, अब पता नहीं क्या बना है। ये देखें, सूरज काफ़ी हद तक ग़ुरूब हो चुका है। ये सुबह वाला ये पेठा वही दोबारा गर्म किया है।